हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा, मतलब कई एस्पिरेंट के पास जो है वो ज्वाइनिंग के लिए जो है ईमेल आना शुरू हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है उस ईमेल का एक आपको मैं दिखाऊंगा कि उनके पास कैसी ईमेल आई है, ईमेल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मुझे कुछ भी जो है अपडेट्स मिलते हैं तो मैं तुरंत जो है वो चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं जो आपको आगे एक दिखाने जा रहा हूँ इसको ईमेल को, तो उसको एक बार आप उसमें पढ़ लेना, देख लेना। पर उस ईमेल में आपका नहीं मेंशनड है कि आपकी ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी या फिर कैसा क्या है, सिर्फ उसमें आपका मेंशन है कि आपको जो है वो 14 तारीख को आपको जो है वहाँ पे रिपोर्ट करना है। वो नोएडा में जो है जिसकी जिन्होंने ईमेल शेयर की है वो नोएडा में, उनको जो है 14 तारीख को रिपोर्ट करना है। तो उनकी जो है ईमेल में जैसा मैंने बताया कि ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा भी बोल रहे हैं कि सर ऐसा है कि इस बार ट्रेनिंग नहीं होगी, तो उसके लिए भी मैं एक दो दिन में ट्रेनिंग से रिलेटेड भी आपकी वीडियो बनाऊंगा कि क्या इस बार ट्रेनिंग नहीं होगी तो, या फिर ट्रेनिंग के लिए कैसा कैसा क्या है। तो चलिए ये जो है ईमेल वगैरह वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, मतलब ये कई लोगों के पास जो है ईमेल आई। अब इस ईमेल में क्या लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द अबव पोस्ट एंड बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, we are pleased to inform you that you have been shortlisted for appointment as junior associate in State Bank of India, subject to the submission of the deficit documents requested at the time of document verification if any। मतलब इनका कहने का क्या मतलब है कि आपका जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो अब आपको जो है वो फाइनली शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जूनियर एसोसिएट के रूप में स्टेट बैंक में अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। और उसमें क्या है, उन्होंने जो अब आप लोगों से जो उन्होंने जो है वो अंडरटेकिंग आप लोगों से ली थी कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, तो इन्होंने बोला गया है कि सबमिशन ऑफ द डेफिसिट डॉक्यूमेंट, जो भी आपने वहाँ पे डीवी के टाइम पे आपने अंडरटेकिंग वगैरह दी थी तो वो डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहाँ पे जमा करवाने होंगे। प्लीज़ ब्रिंग योर ऑफर लेटर, करंट वैलिड आईडी प्रूफ, मे बी योर पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड विद अ रिसेंट फोटोग्राफ इन ओरिजिनल, मतलब ये आपको वहाँ पर लेकर जाना है। प्लीज़ अपियर फॉर द फॉर्मेलिटीज ऑफ अपॉइंटमेंट एट योर ओन एक्सपेंसिस ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू एज मैंशनड बिलो। देखिए एस बाई एल डी नोएडा का ये है, उनको देखिए 14/8/2024 को 10 बजे रिपोर्ट करना है। यू मस्ट रिपोर्ट एट द वेन्यू 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, मतलब 9:45 बजे जो है उनको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो ये मतलब किसी ने अभी जो है मतलब एस्पिरेंट ने शेयर करी थी ग्रुप में, तो ये मतलब आपकी ज्वाइनिंग की जो है वो ईमेल है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है वो ईमेल देख ही ली है। अब इस ईमेल में जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेंशन है कि आपको जो है मतलब ट्रेनिंग के बारे में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग होगी या क्या होगी, और इसमें बस लिखा हुआ है कि आपको जो है आपके ऑफर लेटर के साथ एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आपका पैन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड और आपकी रिसेंट फोटोग्राफ के साथ आपको जो है वो एस बी आई एल डी में आपको जो है वो रिपोर्ट करना है 10 बजे। और मतलब बस इस लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन थी। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमारे पास जो है वो अभी ज्वाइनिंग की मेल नहीं आई, जैसा कि बोला जा रहा है कि 14 तारीख को जो है वो ज्वाइनिंग है। तो अब देखिए एस्पिरेंट के पास जो है ये ईमेल आना शुरू हो गई है, तो कुछ दिनों में मतलब एक दो दो चार दिन तक आपके पास भी जो है वो ईमेल मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स, हैव अ नाइस डे।